मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्ते मेरे भाई। घाई घाई में उल्टा पहन लिया मैंने। अचानक सब इधर क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? वही कुछ भी नहीं हुआ भिड़े भाई, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब मतलब भिड़े भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि नए साल की नई शुरुआत में हम अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ नया धमाका करना चाहते हैं। हम सब मिलके विंटर पार्टी करना चाहते हैं। हाँ। विंटर पार्टी? मैं समझती हूँ, विंटर मतलब ठंड। हम लोग विंटर पार्टी करेंगे और वो भी वैलेंटाइन डे के दिवस पर मचा जाएगा। वैलेंटाइन डे? अच्छा। और इसलिए हम आपकी परमिशन लेने आए हैं और एक अच्छा सा बजट भी। आफ्टर ऑल साल की पहली बड़ी पार्टी है। अच्छा, ये बात है। हाँ। जी। समझ गया। देखिए, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह ऐसे महिला मोर्चा लेकर आप यहाँ पे आएंगी और मुझसे परमिशन मांगेंगी और दबाव में आके मैं परमिशन दे दूंगा, तो आप गलत समझ रही है। मजाक कर रहा हूँ। अरे गोकुलधाम की महिला मंडल कोई प्रस्ताव लेके आए और मैं मना करूँ, ऐसा हो सकता है कभी? अरे मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोकुलधाम की महिला मंडल जो भी आयोजन करेगी वो धमाकेदार ही होगा। और बजट की चिंता बिल्कुल मत करना, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब बजट मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। वैसे क्या खास आयोजन क्या है? गुलाबी ठंड में ये कुछ अलग हटके कुछ खास आयोजन है। नहीं नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि क्या खास। गेट टू गिजर। शी मींस गेट टुगेदर। अच्छा। हाँ भिड़े भाई, बहुत मजा आएगा। सर्दियों का मौसम है तो बॉनफायर होगा, मस्त मस्त मसालेदार सबके लिए खाना होगा। वैलेंटाइन्स डे है तो प्यार भरी मीठी मीठी बातें होगी, धमाल मस्ती होगी, बहुत मजा आएगा। और हमारे बाकी की प्लानिंग चल रही है। ओहो, मतलब और भी कुछ है? ऑफ कोर्स। वो सारी डिटेल्स हम आपको कल दे देंगे। ओके चलो चलो, कोई बात नहीं, हम सब जोरदार मिलके फैमिली प्लानिंग करेंगे। हम सब फैमिलीज मिलकर जोरदार प्लानिंग करेंगे। इन शॉर्ट, आप चिंता मत कीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी का ये एकमेव सेक्रेटरी आपकी सेवा में सदैव हाजिर है। वाह मम्मी वाह, विंटर पार्टी, मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, बहुत मजा करेंगे। लेकिन अभी स्कूल जाओ, देर हो जाएगी। चलो चलो। हाँ मम्मी। दादाजी, अपना शाम का प्रोग्राम पक्का है ना? हाँ बेटा, एकदम पक्का है। कौन सा प्रोग्राम बापू जी? वो बहू आज शाम को टपू सेना मेरे साथ स्वच्छता अभियान के लिए आने वाली है, तो शाम को आने में हमें थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, आज हम लोग मार्केट में जाकर सभी दुकानदारों को स्वच्छता अभियान के बारे में बता के उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं निकलता हूँ। बाय बाय बाय। जय जिनेंद्र बेटा। बापूजी, आपको चाय दो? अरे नहीं नहीं बहू, अब मैं भी चलता हूँ। अब मैं सीधा शाम को टप्पू सेना के साथ मार्केट होकर ही वापस लौटूंगा। ठीक है बापूजी। अरे दया, चाय। अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे? अभी तो मैं गार्डन जा रहा हूँ।
वहाँ हमारे सब यंग ओल्ड ग्रुप वाले मिलने वाले हैं। बाद में हम सब मिलके स्वच्छता अभियान के लिए मार्केट जाने वाले हैं। तो एक दो मिनट रुके, मैं चाय पी के बस निकल ही रहा हूँ, तो दुकान जाते जाते आपको गार्डन तक छोड़ देता हूँ, फिर आगे निकल जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो चल के ही जाऊंगा, सर्दियों के मौसम में चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में चलिए ना बापू जी, आधे रास्ते तक आपका साथ मिल जाएगा मुझे। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल के गार्डन तक चल, फिर वहां से रिक्शा करके दुकान चले जाना। अरे अभी याद आया, ओ मुझे दुकान जाते जाते मेहता साहब को भी मिल के जाना है, तो फिर वहां से चल के गार्डन तक आऊंगा, फिर ऑटो करके जाऊंगा, तो बहुत। हाँ समझ गया भाई, तू रहने दे, देर हो जाएगी, इसके लिए और कुछ नहीं। बहू मेरे राजकुमार को चाय पिला, चलो चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लाला दया चाय ला, चल। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चलकर बापूजी के साथ जाना चाहिए था। ए चांपली, सुनो नहीं बापूजी ने क्या कहा, मेरे राजकुमार को चाय पिलाओ। जी मजूर। ये मजूर नहीं, हुजूर, राजकुमार को मजूर बना दिया। सॉरी जी हुजूर, हाजिर करती हूँ चाय। जा जल्दी चाय ला जल्दी। दे दे चाय, दे चाय, दे चाय, दे रे मुझे चाय, दे 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 चाय, दे चाय, दे चाय, दे रे राजकुमार को चाय दे। लाई लाई राजकुमार, आपकी गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है, आप जरा खुशबू लीजिए। हाँ 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 दया, क्या खुशबू है, क्या कर रही है चाय ला? नहीं नहीं नहीं, पहले आप मुझे आइडिया दो, बाद में मैं आपको चाय दूंगी। कैसा आइडिया? वो क्या है, हम लेडीज लोगों ने विटनर पार्टी का आयोजन करने का तय किया है, तो उसके लिए आइडिया चाहिए। अरे वाह, अच्छा तुम लेडीज लड़की होना, अच्छा ढूंढ निकाला। विटनर पार्टी क्या क्या होता क्या इसमें? विटनर पार्टी मतलब सर्दियों की पार्टी। हमारे सोसाइटी कंपाउंड में मस्त गुलाबी ठंडी में हम लोग टापड़ा करेंगे, और शक्करकंद आलू वो भी भुनेंगे, और उस दिन तो वेंटेंट डे भी है ना, तो सब लोग मिलकर मजा करेंगे। मजा आएगा, सब मजा करेंगे। लाला चाय दे। टप्पू के पापा, पार्टी में और क्या करें वो सूझ नहीं रहा है। पहले भी हमने डांस, फैंसी ड्रेस, अंताक्षरी वो सब किया है, तो अब कुछ अलग कोई आइडिया आप बताइए ना, कि पार्टी में धमाल हो जाए। दया तू तो जानती है, जब तक मैं चाय नहीं पीता मैं सोच नहीं सकता, कि एक बार चाय पियूंगा ना तो दिमाग का दरवाजा एकदम फटाक से खुल जाएगा। ला चाय ला। चाय पीकर आपका दिमाग का दरवाजा खुलेगा, और घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है, तो आप चाय पीकर फटाक से चले जाएंगे और मुझे आइडिया भी नहीं देंगे। अरे भाई तो चाय देना यार, क्या कर रही है दया, मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है, फिर दुकान जाते जाते मुझे मेहता साहब को भी मिलने जाना है, तो प्लीज चाय दे। नहीं नहीं, पहले आप मुझे आइडिया दो, बाद में मैं आपको चाय दूंगी। इस आइडिया से तुम्हारी विटनर पार्टी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। हाँ, तो बोली बोली क्या आइडिया है? दया ये जो आइडिया मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, इससे तुम्हारी विटनर पार्टी रात को चालू होगी, और सुबह कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, सुबह तक चलेगी पार्टी। तो जल्दी बताइए ना, तड़पाइए मत जल्दी। नहीं 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 नहीं, अरे उसमें तड़पना कहला, तू पहले मुझे चाय पिला, क्या वो आइडिया आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, एक बार चाय पी लूंगा ना ऐसे पकड़ में आ जाएगा पूरा आइडिया। जल्दी चाय दे, चाय लीजिए राजकुमार जी। ओहो राजकुमार, आइडिया मिलते ही। बोलिए आइडिया बोलिए। एक मिनट। अब बोलिए। मुझे आ गया। चलो अरे हाँ आइडिया आइडिया। दया देख, मेरे पर्सनल अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी के मौसम में अगर आपको मजा करनी है, बहुत ज्यादा मजा करनी है, तो आप एक ही चीज कीजिए, रात होते ही रजाई ओढ़ के सो जाओ। हाँ तो सबको बोल दे कि सब अपने अपने घर में सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के सो जाए, सबको जलसा पड़ जाएगा, सुबह कहाँ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, रात भर है ना जलसा है। चलो टप्पू का पापा ये चैटिंग है, आपने चाय पी ली और मुझे आइडिया भी नहीं बताया।
सॉरी दया, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, वरना मैं तुझे तीन चार तड़कते फड़कते आइडिया सुनाता प्लीज। वैसे मैंने अभी जो आइडिया दिया वो भी सोचने लायक है। चलो चलो चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्रा। हाँ चली गई फाइल। अंजलि, अरे अंजलि कहाँ है मेरी फाइल? अरे एक मिनट, तारक क्यों चिल्ला रहे हैं? ओ बाप रे तारक, ये सब क्या फैला कर बैठ गए आप? अरे क्या फैला के बैठ गए अंजलि, मैं अपनी कविताओं की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। कौन सी कविता की फाइल बाबा? दर्द भरी कविता है। दर्द भरी कविताएं? हाँ, जो मैंने शादी के बाद लिखी है। है? अरे ढूंढो ना भाई, ढूंढो ना प्लीज। कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे हैं, सपनों से भरी दुनिया शीर्षक की कविता? अंजलि, शादी के बाद कोई सपनों से भरी दुनिया शीर्षक से कविताएं लिखता है क्या? ऐसे शीर्षक ढूंढो, मिल जाएंगे उसमें। मेरी आजादी कहाँ गई, कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, और बंद कर सितम करना है सितमगर, मतलब इस तरह के शीर्षक होंगे। अच्छा जी, तो शादी के बाद आपने ऐसी कविताएं लिखी है? हाँ। अरे भाई अंजलि, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चेतना के लिए। हे भगवान, अब ये चेतना कौन है? राष्ट्रीय चेतना। अच्छा मिस्टर मेहता, कहीं आप मुझे झांसा तो नहीं दे रहे ना? अरे अंजलि, तुम्हारे प्यार ने मुझे फांसा, तो मैं कैसे दूंगा तुम्हें झांसा? और मैं हूँ तुम्हारे प्रीत का प्यासा, अब चाय का स्वाद चखा दो जरा सा। वाह 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 वाह, डाइट फूड के नाम पे मुंह बनाते हो बुरा सा, और चखना है चाय का प्याला जरा सा। क्या बात है, वाह 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 वाह, आप भी शायरा हो गई है, बहुत अच्छे, नॉट बैड, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। पर धारी मेरी फाइल, ये लीजिए, मिल गई आपकी दर्द भरी कविताओं वाली फाइल। मिल गई? अरे रे रे रे। फाइल के अंदर फाइल छुपी थी, कहाँ से दिखेगी आप? हाँ मिल गई, यही ढूंढ रहा था मैं सुबह से, दर्द भरी कविताएं। अंजलि मुझे पता था कि तुम जरूर ढूंढ लोगी, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही फाइल देना। अरे मेहता साहब, अरे आओ आओ, ये क्या सब फैला कर बैठे है? देखिए ना जेठा भाई, आपके दोस्त को एक कविता की किताब ढूंढने के लिए अनेक किताब फैला कर बैठ जाते हैं। क्या मेहता साहब, आप भी ये सब रद्दी जमा करके बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ किसी रद्दी वाले को बुला के सब दे दो, कम से कम 200 रुपये मिलेंगे। जेठालाल, तुम इन सबको रद्दी बोल रहे हो, और इसकी कीमत लगा रहे, वो भी 200 रुपए? अरे भाई ये अनमोल है, इनकी कीमत नहीं लग सकती। ये मेरी वो रचनाएं हैं जिन्हें मैंने रात रात भर जाग जाग के, बहुत सोच सोच के, अपना खून जला जला के लिखा है। इसमें मेरी कविताएं, मेरे आर्टिकल्स, मेरे लेख है जो मैंने अपने खून से लिखे हैं। खून से? अरे भाई मुहावरा है जेठालाल। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना, मुझे पता नहीं था ये सब आपकी रचनाएं हैं। वैसे ये सब आपने लिखा है? ये सब कुछ तो नहीं, लेकिन इनमें से बहुत कुछ मेरा लिखा हुआ है, मतलब कविताएं है, आर्टिकल है। ओहो, क्या बात है मेहता साहब, इतना सब अब कैसे लिख डालते हैं? वैसे ही जैसे तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चला लेते हो। मेहता साहब, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मेरी मदद करने के लिए नट्टू काका है, बागा है, मगन है, लेकिन यहाँ ये सब लिखने के लिए तो आप अकेले ही है, आपको अकेले को ही लिखना पड़ता है ना सब। हाँ ये बात तो है जेठा, ये परिश्रम तो स्वयं को ही करना पड़ता है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, कविता तो अकेले को ही लिखनी पड़ती है, इसके लिए कोई कमेटी नहीं बैठती। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह क्या बात है मेहता साहब, लेकिन इतने भर भर के विचार आपके पास आते कहाँ से? बस वैसे मैंने सुना है आप जैसे लेखक कवि जब भी कोई कविता लिखते हैं तो अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, तो उससे क्या उनको वो मिलती है अपना, वो क्या बोलते हैं, वो प्रेरणा। हाँ प्रेरणा, तो आपके भी कोई प्रेरणा है? यही है। यही कहाँ? अरे भाई तुम्हारी आंखों के सामने भीत। हाँ? मेरे घर में भी इतनी सारी भीत है, लेकिन भीत से मैं तो कभी बना नहीं। अरे भीत भीत नहीं जेठालाल, मेरे मन का मीत अंजलि। सॉरी यार, ओह सर, यही है मेरी प्रेरणा। पता है जेठा भाई, आपके दोस्त ने खास मेरे लिए एक कविता लिखी थी। ओहो, और उसी कविता से तो इन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। ओहो, कौन सी कविता मेहता साहब? तुम ही हो मेरी प्रेरणा, यही शीर्षक था उस कविता का, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरी तरुणाई के दिनों से तुम मेरी प्रेरणा थी, तुम मेरी प्रेरणा हो,
और तुम ही मेरी प्रेरणा रहोगी। मैं बाद में आता। अरे नहीं जेठा, अरे रुको, कहाँ जा रहे भाई जेठा? मैं तो पूछना ही भूल गया कि तुम आए कैसे थे। हाँ। अरे वो एक हमारा पुराना डीलर है पटेल भाई, तो कल उनकी शादी की सालगिरह है। अच्छा अच्छा, तो एक बढ़िया सा अच्छा सा तोहफा उनको देना है मुझे, और वो साथ में वो कार्ड देते हैं ना, वो ग्रीटिंग। हाँ हाँ वही वही, तो मैंने सोचा उसमें आप कुछ बढ़िया सा लिख दो अपने खून से, मतलब अपने हाथों से कुछ बढ़िया सा लिख दो। तो इसके लिए मैं सोच रहा था अभी साथ में अगर आप आओ तो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप बिजी है तो ठीक है। अरे नहीं नहीं जेठलाल, मुझे तो खुद ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। मैं यूं गया और कपड़े चेंज करके यूं आया, तुम वेट करो फिर साथ चलते हैं। ओ, मैं मदद करूं कुछ? अरे नहीं नहीं तारक, मैं ले लूंगी आपको। हां हां हां, आइए ना जेठा भाई प्लीज। सॉरी बैठिए। नहीं नहीं सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया, आप लोग बिजी थे और नहीं नहीं ये सारा मैं बाद में समेट लूंगी। जेठा भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए ताजा जूस लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, जरूरत नहीं है, मैं अभी घर से एकदम फुल नाश्ता करके आया हूँ। जेठा भाई एक ग्लास जूस में कुछ नहीं होगा, अब दो मिनट बैठिए, मैं अभी आई। नहीं नहीं अंजलि भाभी देखिए, लगता है अंजलि भाभी जूस पिला के ही छोड़ेंगे। जेठा भाई ये लीजिए, पी के बताइए कैसा है। ये क्या है जेठा भाई? एटीएम स्पेशल जूस। पता है इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है, इसमें अदरक दालचीनी और मुलेठी का मिश्रण है। मुलेठी? मुलेठी मेहता साहब नई नई कविताएं बनाते हैं, आप नए नए जूस बनाते हैं, राम मिलाई जोड़ी है आप दोनों की। अच्छा अभी पी के बताइए कैसा है। पीजिए। कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा? अरे जबरदस्त है, खतरनाक है। सच्ची? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। एक्चुअली जेठा भाई आज विंटर पार्टी के लिए हमारी महिला मंडल की मीटिंग है, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ नया ट्राई किया जाए। वाह 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 बहुत बढ़िया। वो दया बता रही थी आज आप लोगों की कुछ हंटर पार्टी है। नहीं जेठालाल, हंटर पार्टी नहीं, विंटर पार्टी। चलो 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 चलो। एक मिनट जेठा भाई, तारक मैं आपके लिए जूस लाती हूँ, पी के जाइए। जूस में ऑलरेडी पी चुका हूँ सुबह एक बार, और एक गुनाह की सजा दो दो बार नहीं मिल सकती। तारक जेठा भाई के सामने तो, अरे जेठा भाई आपने आपका जूस खत्म नहीं किया। जेठा भाई आपने क्यों आधा छोड़ दिया, पी लीजिए। अंजलि भाभी सच में बहुत नाश्ता कर लिया, यहाँ तक जूस का जाने का रास्ता ही नहीं बचा है अभी, फिर कभी आऊंगा तो पीऊंगा ना। अरे वापस तो तब आओगे ना जब चलोगे। चलो 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 चलो, 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 चलो। भाई आइडिया, दया भाभी को दे दूंगी, शाम को जेठा भाई घर आएंगे तब उनको पिला ही देगी। अब ये सब भी तो समझना है, हे भगवान कितना काम छोड़ के जाते तारक। आज महिला मंडल की मीटिंग में तारक ने मेरे लिए लिखी कविता सबको सुनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। दोस्तों अचानक कोई चीज मिल जाए ना, और वो भी पुरानी हो, तो बड़ी खुशी मिलती है उस चीज के मिलने पे। जैसे आपकी किसी पुरानी डायरी के पन्नों के बीच में से कोई सूखा हुआ फूल मिल जाए, या किसी खास व्यक्ति ने आपको अपने हाथों से बना के कोई बर्थडे कार्ड दिया हो वो मिल जाए, या फिर किसी का दिया हुआ तोहफा मिल जाए, या फिर पुराने एल्बम में से आपके स्कूल या कॉलेज के दिनों की कोई फोटो मिल जाए, तो बड़ी खुशी मिलती है। ऐसी ही खुशी अंजलि को मेरी डायरी में से, पुरानी डायरी में से एक कविता के मिलने से हुई। लेकिन आप जानते हैं किसी के लिए खुशी का सबब किसी के लिए मुश्किलों का कारण भी बन सकता है। अब ये प्यारी सी भोली सी कविता एक बड़ा ही हड़कंप मचाने वाली है गोकुलधाम सोसाइटी में। अब ये हड़कंप क्या होता है, किस तरह से मचता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.